हैलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो देर आर सो मनी स्टूडेंट्स रिक्वेस्टिंग दिस टॉपिक विच इज कॉल्ड एस एलिमेंट ऑफ ऑर्गनाइजेशन बिहेवर आई ऑलरेडी मेड अ लॉड ऑफ विज ऑन ऑर्गनाइजेशनल बिहेवियर लाइक इट्स नीड इट्स इंपॉर्टेंट इट्स ऑरिजिन ऐसी बहुत सारी विडियोज मैंने इसके ऊपर बनाई है बट एक टॉपिक जो रह गया था और थैंक्स टू ऑल माई सब्सक्राइबर जो मुझे कोई भी टॉपिक मिस नहीं करने देते वो मुझे खुद ही याद करा देते हैं कि सर ये वाला टॉपिक रह गया है और आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाना है बट दट रियली मेक्स मी थैंकफुल टू ऑल माई सब्सक्राइबर बिकॉज जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे इतना लायक समझते हैं कि वो मुझे हर छोटे छोटे टॉपिक याद कराते हैं और मुझे उसे पढ़ाने का मौका देते हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजल बिहेवियर के तो लेटेस्ट बिगिन सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं ऑर्गेनाइजन बिहेवियर के तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मेनली फाइव एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट इज इम्प्लॉय जिसको हम पीपल से भी डिनोट करते हैं अनदर इज स्ट्रक्चर थर्ड इज टेक्नोलॉजी फोर्थ इज सोशल सिस्टम

ग्रुप्स जो होते हैं वो फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं मैंने ऑलरेडी इनके डिफरेंसेस को पढ़ाया है लोग खुद बना लेते हैं अपने हिसाब से जो उनको सूट करता है अब ये लार्ज भी हो सकते हैं स्मॉल भी हो सकते हैं इंटर रिलेटेड भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं सिंपल भी हो सकते हैं तो जो ग्रुप्स हैं वो कई तरह के हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर

ग्रुप्स में फॉर्म चेंज एंड डिजोल्व एक पॉइंट और ये भी समझते हैं कि ग्रुप्स जो होते हैं वो इतने स्टैटिक नहीं होते वो भी डायनेमिक होते हैं वो बन, बनते हैं बदलते हैं और समय के साथ साथ खत्म भी हो जाते हैं डिजोल्व भी हो जाते हैं या आप कह सकते हो डिजोल्व होकर एक न्यू ग्रुप को फॉर्म कर लेते हैं ये भी होता है राइट ऑर्गेनाइजेशन आर स्टैब्लिश टू सर्व द पीपल तो कहने का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन लोगों से ही बनता है और ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं जब बन जाता है तो वो लोगों को ही सर्व करता है ठीक है और लोग भी ऑर्गेनाइजेशन को ही सर्व करते हैं तो ये वाइस वर्सा रिलेशनशिप देखने को मिलता है एंड दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एलिमेंट के बारे में बात करते हैं द सेकंड एलिमेंट इज स्ट्रक्चर अब हमें एक पॉइंट समझना पड़ेगा वो ये कि इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग हैज स्ट्रक्चर हर चीज का एक स्ट्रक्चर है चाहे आप ह्यूमन बॉडी की बात करें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है एक ट्री की बात करें उसका भी एक स्ट्रक्चर है कोई हाउस हम देखते हैं उसका भी स्ट्रक्चर है इवन जो वीडियो आप मेरी देख रहे हैं इसका भी एक स्ट्रक्चर है वो भी मैंने डिसाइड किया है वो भी मैंने बनाया है तो कहने का मतलब यह है कि आप जो भी चीज अपने आसपास देखते हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देखने की आदत भी हो गई है प्लस उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है अगर वो स्ट्रक्चर में नहीं होगा ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी उसको समझने में और आपको लगेगा ये क्या है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर तो होता है

स्ट्रक्चर में भी सम में भी एग्जीक्यूटिव अदर में भी सुपरवाइजर्स असिस्टेंट पर्सन एंड वर्कर्स अब कहने का मतलब है जब आप स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो कुछ लोगों को एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है कुछ लोगों को सुपरवाइजर बनाया जाता है कुछ लोगों को असिस्टेंट्स बनाया जाता है कुछ लोगों को आप वर्कर्स बनाते हो तो कहने का मतलब कोई स्केल वन पे है कोई स्केल टू पे है कोई स्केल थ्री पे है कोई मिड लेवल मैनेजमेंट में है कोई अप लेवल मैनेजमेंट में है तो आप वो डिसाइड करते हो वाइल मेकिंग द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्लरिफाइज द अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ए आर रिलेशनशिप है मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसकी क्या अथॉरिटी होगी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी ये सब कुछ स्ट्रक्चर में डिफाइन हो जाता है

इम्पॉसिबल अब एक पॉइंट जो हमें यहां पे समझना पड़ेगा वो ये है कि आज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना है चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो एफ मेटल आईटी आई टी तो खैर है ही चलो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बट जो कंपनीज़ डायरेक्टली आईटी मतलब टेक्नोलॉजी से उतना रिलेटेड नहीं थी जैसे टेक्सटाइल वो भी आज के डेट में आगे नहीं बढ़ सकती अगर वहां पर टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन ना हो इसी वजह से जो काम है वो या तो बहुत डिफिकल्ट नजर आता है या कई बार बहुत इंपॉसिबल नजर आता है क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिकल एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू मेक पीपल जॉब्स इजी अब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी करता क्या है टेक्नोलॉजी जो है लोगों के काम को आसान बनाता है जिस काम को करने में कभी लोगों को दो घंटे लगते थे आज लोग उस काम को हो सकता है बीस मिनट में कर लें दस मिनट में कर लें उनका टाइम बहुत सेव होता है उनका रिसोर्सेज बहुत सेव होते हैं उनकी मेंटल एबिलिटीज बहुत सेव होती हैं तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है टेक्नोलॉजी का पीपल आर गिवन दस ऑफ मशीन टूल में क्या क्या दे सकते हो आप मशीन दे सकते हो आप उनको टूल दे सकते हो आप उनको मैथड्स दे सकते हो नई तरह का आप रिसोर्सेस दे सकते हो यह सब टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड की जा सकती है लोगों को सो देट की पीपल उसको यूज करें अपने टाइम को सेव करें और ऑर्गेनाइजेशन की भी कॉस्ट को सेव करें यह इसका मेन पर्पस है टेक्नोलॉजी का द नेचर इज ऑफ इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ टास्क एंड द स्केल ऑफ ऑपरेशन अब यहां पर एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ ऑपरेशन के ऊपर कि आपका नेचर ऑफ ऑपरेशन किस तरह का है? हो सकता है किसी जगह पर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होगी जबकि किसी जगह पर बहुत कम टेक्नोलॉजी यूज होगी तो यह हमेशा डिपेंड करेगा कि टास्क किस तरह का है या नेचर ऑफ ऑपरेशन किस तरह का है उसके बेस पर टेक्नोलॉजी जो है वो वैरी करती है उसका स्केल वैरी करता है राइट प्लस यहां पर एक पॉइंट और जो हमें डिस्कस करना है दैट पॉइंट इज की टेक्नोलॉजी में ऑल्सो पुट रिस्ट्रिक्श ऑनडम ऑफ पीपल पहले क्या था कहीं ना कहीं लोग इंडिपेंडेंस फील करते थे बट टेक्नोलॉजी की वजह से अब लोगों पर मॉनिटरिंग बहुत आसान हो गई है बायोमेट्रिक मशीन आ गए हैं सीसीटीवी कैमराज आ गए हैं ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई है जिससे आप लोगों को ट्रैक कर पाते हैं उनकी मॉनिटरिंग कर पाते हैं उनके परफॉर्मेंसेज को ट्रैक कर पाते हो तो इस वजह से इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी को कैसे लेते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं ट इज कॉल सोशल सिस्टम अब सोशल सिस्टम में क्या होता है एवरी थिंग अराउंड अस इज सोसाइटी एंड एवरी वन इन द सोशल इन द सोशल लाइफ आर्ट टूगेदर अब हमें एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सोसाइटी के लिए काम करती है सोसाइटी को सर्व करती है चाहे आप लोगों को भी अगर सर्व कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का सोसाइटी को ही सर्व करना हुआ बिकॉज उन पर्सन के उन इंप्लॉइज के ऊपर काफी सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम के अंदर काम करती है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाला है कि सोशल सिस्टम के अंदर हमें काम करना है ऑर्गेनाइजेशन को The the social system determines the work environment and from which the फ्रॉमेशन can operate. अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हम जिस तरह के सोसाइटी में काम करेंगे जिस तरह के एनवायरमेंट में काम करेंगे हमारा कल्चर भी उसी तरह का हो जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी जापान में खुलती है तो वहां के कल्चर को इनहेरिट करती है वहां की ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज होती है आप देखोगे वो जापनीज कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हुई दिखेगी इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे उसके अपने फिलोसफीज कुछ भी हो लेकिन वो जिस कंट्री में ऑपरेट कर रही है जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रही है वहां के कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहती है और इनहेरिट करती है उसका कारण ये भी होता है क्योंकि आप अगर इनहेरिट नहीं करोगे वहां के सोशल सिस्टम को तो आपका सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एज पीपल के नॉट लिव अलॉन जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन के नॉट रन अलॉन इट्स जॉब हम जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे लोग अकेले नहीं रह सकते वो ग्रुप्स बनाते ही बनाते हैं सोशल लाइफ जीते ही जीते हैं उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी स्टैंड लोन रन नहीं करती इट रन अंडर दैट अम दोशल सेटिंग सोशल सिस्टम के अंडर ऑर्गेनाइजेशन भी रन करती है द ऑर्गेनाइजेशन हैजू इट्स एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ इट्स इंप्लॉई जितने भी आप सोसाइटी रिलेटेड वर्क करोगे वो किसकी मदद से करोगे वो एम्प्लॉय के ही तो मदद से होगा ना आप किसी भी तरह की कॉज रिलेटेड मार्केटिंग भी कर रहे हो कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो चाहे पेड़ ही लगा रहे हो बच्चों के लिए स्कूल्स बना रहे हो टॉयलेट्स बना रहे हो यह सब कुछ कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन करती है उससे अपनी उनकी पब्लिक इमेज भी अच्छी होती है और कहीं ना कहीं उनका जो कहते हैं ना प्रॉफिट को एक डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका भी है प्लस बहुत सारी गवर्नमेंट ने उनको मैंडेटरी भी कर रखा है कि भाई आपको करना ही पड़ेगा तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये सब कुछ हमें करना पड़ता है दैट इज वाई सोशल सिस्टम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट मूविंग ऑन टू द फिफ्थ थिंग पांचवें एलिमेंट की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक तो सोशल सिस्टम खुद हो गया कि वो एक खुद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था बट इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल एक्सटर्नल इवायरमेंट होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे इसन ऑपरेट इन द लार्जर सोशल सिस्टम एंड इन्फ्लुएं बाई द एक्सटर्नल इनवायरमेंट विच इंक्लूड सोशियो कल्चर इनमिकल पॉलिटिकल लीगल टेक्नोलॉजी ज्योग्राफिको हम पेस्टल एनालिसिस कहते हैं वो सब इसको इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वहां पे कितना इन्फ्लेशन है कितना एम्प्लॉयमेंट है किस तरह का वंडर डेवलप्ड कंट्री है डेवलप्ड कंट्री है सोशल सिस्टम किस तरह का है वहां का कल्चर किस तरह का है लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं कम पैसा खर्च करते हैं टेक्नोलॉजी वहां पर कितनी अपग्रेडेड है अपग्रेडेड है भी या नहीं है इसी तरह से आपको जितने भी वहां के लीगल इन्वायरमेंट किस तरह का है वहां पर लीगल जो है इश्यूज को कैसे रिजोल्व किया जाता है ये सब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है दीज फोर्सेज इन्फ्लुएंस पीपल एटीट्यूड मोटिवेशन एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये जितने भी एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं वो आपके इंप्लाइज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं बिकॉज उनकी वजह से उनका एटीट्यूड उनका मोटिव उनका मोटिवेशन लेवल उनका उनका वर्किंग कंडीशन सब कुछ इन्फ्लुएंस हो जाता है सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल्सो इन्फ्लुएंस ओवर द इन्वायरमेंट बट द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस इज वेरी लेस तो एक तरफ तो हो गया कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपको इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द अदर साइड ऑर्गेनाइजेशन भी कई बार एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती है ऐसा भी होता है लेकिन बहुत कम बहुत रेयर है एक तो और अगर कई बार करती भी है तो बहुत कम इफेक्ट उसका देखने को मिलता है कहने का मतलब है कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हो सकता है कोई इनिशिएटिव ले ले फॉर एग्जांपल मान लो चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर आपने कोई इनिशिएटिव ले लिया उस इनिशिएटिव को देखकर गवर्नमेंट ने भी कोई इनिशिएटिव ले लिया और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लेने से एक कंट्री में ही उसका एक रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है तो कहने का मतलब है, ऐसा भी होता है बट बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है क्योंकि जनरली कंपनीज के एफर्ट्स इतने ज्यादा नहीं हो सकते कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी कंट्री के एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं बट ऑब्वियसली उनके स्टार्ट करने से कुछ ना कुछ स्टार्ट तो हो ही सकता है राइट right? आई होप कि आपको ये पांचों एलिमेंट समझ में आ गए हों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कई बार डिस्क्रिप्टिवि uh, सेक्शन में आ जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट नहीं है थैंक्स फॉर वाचिंग अगर आप मेरा रियली really चैनल को पसंद करते हैं तो आप चैनल को लाइक like करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो आप वो देख सकते हो अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड अगर एमसी सीरीज आप देखना चाहते हो तो वो भी आप मेरा ले सकते हो और अगर आप डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के को इवेलुएट कराना चाहते हो अपना तो वो भी आप मेरा देख सकते हो तो दीज आर द समथिंग्स विच आर एम ऑफरिंग टू माई स्टूडेंट्स सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी बाय